हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनुप सर। मेरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर फाइव के बच्चों के लिए, क्योंकि आज आप लोग को बताने जा रहे कोस्ट अकाउंट में कौन कौन सा सब लेसन का, जितना भी लेसन कोस्ट अकाउंट में लगभग इंपॉर्टेंट है उसका सब क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में कीजिएगा तो 100% चांस है कि वो टॉपिक एग्जाम में टच कर जाए। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा बच्चों, क्योंकि आप लोग का कोस्ट अकाउंट, ठीक है, कोस्ट अकाउंट में थ्योरी प्लस नंबरिकल क्वेश्चन दोनों आएगा। तो पहले थ्योरी का बात करते हैं बच्चों, क्योंकि थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो क्लास नहीं करते हैं, ट्यूशन नहीं करते हैं, वो थ्योरी के बदौलत ही एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो चलिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं कोस्ट अकाउंट का। लेकिन बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, और बच्चे जो बच्चे मेरे फेस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आप लोग को चैनल जब सब्सक्राइब करके रखेंगे तो बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है बच्चों। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले कोस्ट शीट में, ठीक है, कोस्ट शीट में सबसे पहले क्या पढ़ना है बच्चों, कोस्ट शीट क्या होता है और यह क्यों तैयार किया जाता है और इसका एक फॉर्मेट देना बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा अच्छा से। इसके बाद आइए बच्चों टेंडर में, टेंडर में क्या करना है बच्चों, टेंडर में आप लोग देखिए क्वेश्चन देख रहे हो, टेंडर प्राइस क्या होता है, ठीक है, और इसका प्रोसेस क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है बच्चों। तो अच्छा से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए इसके बाद देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। देखिए बच्चों कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है इसका एक फॉर्मेट एकदम अच्छा से याद कर लीजिएगा बच्चों। उसके बाद व्हाट इज द कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और इसमें शॉर्ट नोट लिखना है, इसमें लिखना है बच्चों वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, अनसर्टिफाइड क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, मेटेरियल इन हैंड क्या होता है, और जॉब पोस्टिंग क्या होता है, यह कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से कैसे अलग है। तो पूरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन हमेशा और प्रत्येक वर्ष पूछता है। ये क्वेश्चन हम अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। अब चलिए चलते प्रोसेस अकाउंटिंग की ओर। चलिए बच्चों देखिए प्रोसेस अकाउंटिंग में क्या है, प्रोसेस अकाउंटिंग में क्या लिखता है, प्रोसेस अकाउंट से आप क्या समझते हैं इसका एक फॉर्मेट दीजिए, ठीक है, और गिव शॉर्ट नोट ऑन नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये प्रोसेस अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग चलते हैं मेटेरियल की, इसके बाद देखिए मेटेरियल में क्या पूछता है, मेटेरियल कंट्रोल क्या होता है और इसके मेरिट और डिमेरिट को लिखना। इसके बाद लिफो मेथड, फिफो मेथड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बिन कार्ड और परचेज ऑर्डर, ये हमेशा ही भी आता है एग्जाम में, इसलिए इसको तुम अच्छे से कर लीजिएगा। पहले इतना कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बहुत काम आने वाला है क्वेश्चन, इसलिए इस पर शक नहीं करें, पहले इतना क्वेश्चन कर ले उसके बाद इधर उधर देखिएगा बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इसके बाद लेबर कोस्ट कंट्रोल, देखिए बच्चों लेबर कोस्ट कंट्रोल में हम लोग क्या होता है इसका इंपॉर्टेंस लिखना है, और हाल से तो नजदीक कर देते बच्चों, हाल से प्रीमियम प्लान, ठीक है, रोवन प्रीमियम प्लान। इसके बाद हम लोग का बच्चों एक है टाइम रेट वेजेज, टाइम रेट वेजेज, पीस रेट सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। इसके बाद मशीन आवर रेट में देख लीजिए बच्चों, मशीन आवर रेट क्या होता है, इसका एक हम लोग का फॉर्मेट देना है कि मशीन आवर रेट किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसका क्या फॉर्मेट है। और जो लास्ट में बच्चों आप देख रही तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और यह डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट और कोस्ट अकाउंट में क्या अंतर है, बच्चों हमेशा पूछा जाता है, और कोस्ट अकाउंट का इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्ट और एडवांटेज, ये अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आज जो आप लोग को बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।